jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। पड़ोसी की पोती से बातचीत करना सेंट्रल स्कूल के क्लास 7 के स्टूडेंट शिवम की मौत का कारण बन गया। शिवम के घर वाले मंगलवार को भागलपुर एक शादी फंक्शन में गए थे। इस दौरान उसके पड़ोसी ने शिवम को बुलाकर अपने घर ले गया। वहां पड़ोसी ने बिजली का करंट देकर शिवम की हत्या कर दी। मर्डर को सुसाइडल रूप देने के लिए आरोपियों ने शिवम की लाश को उसके घर में ले जाकर फंदे से लटका दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरएपी फैमिली घर में ताला लगाकर फरार हो गया। मेरा बेटा और पड़ोसी की पोती दोनों नाबालिग हैं और दोस्त हैं। डोनाई ने नाबालिग बच्चों की दोस्ती को अपेयर समझकर पड़ोसी उन्हें आपस में बात करने से रोकता था। उसने मुझे भी कई बार हिदायत दी थी कि मैं अपने बेटे को उसकी पोती से बात करने से रोकूं। कुछ दिन पहले ही उसने मेरे फैमिली से मारपीट की थी। उस समय उसने मुझे धमकी दी थी कि यदि मेरा बेटा उसकी पोती से बात करना बंद नहीं करेगा तो वे उसकी हत्या कर देगा। मंगलवार को मैं ड्यूटी पर गया था। मेरी पत्नी और बेटी भांजी की शादी फंक्शन में भागलपुर गए थे। पड़ोसी को जब इसकी जानकारी हुई तब उसने शिवम को घर में अकेला देख उसे अपने घर में बुलाया। नादान शिवम उसके घर पहुँच गया। इसके बाद पड़ोसी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर शिवम को बिजली का करंट देकर मार डाला। उसकी मौत को सुसाइडल रूप देने के लिए लाया को वापस घर में लाकर फंदे से लटका दिया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि 15 दिन पहले भी दोनों फैमिली के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी ने शिवम को जान से मारने की धमकी दी थी। गांव वालों ने बताया कि शिवम 7वीं का स्टूडेंट था, जबकि आरोपी की पोती 6ठी में पढ़ती है। दोनों दोस्त थे और उनके बीच बातचीत होना ही विवाद का कारण था, जबकि दोनों नाबालिग थे। शहर के विजयनगर मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई हत्या की सूचना मिलते ही जितेंद्र के घर पर लोगों की भीड़ जुट गई। शिवम की हत्या से आक्रोशित लोग हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही बांका के एसडीपीओ एसके दास सहित बांका थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझ बुझाकर कर शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका अस्पताल भेजा। उधर डीएसपी बांका एसके दास का कहना है कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस भी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मृतक के परिजन से आवेदन मांगा गया है।